वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एरियल सर्वे ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस डे टू नितिन गडकरी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे हमारे देश में निर्माण हो रहा है जो मुंबई और दिल्ली दो महानगरों को जोड़ने वाला है। इस हाईवे के निर्माण में टोटल 1380 किलोमीटर इसकी लेंथ है। छोटा था तो पूरा उन्होंने दिखाया नहीं, पर थोड़ा बहुत ग्लिम्स तो दिखाई और ब्रिज का जो था वो मॉडल भी दिखाया और उसी पे ये चल भी रहे थे। फिर पहले वो भी दिखाया चलते हुए और उसके बाद मॉडल भी एक्चुअली दिखाया। बहुत ही बड़ा ब्रिज लग रहा था जिस तरह से था, पर अच्छा बनाया था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था और ऐसा लग रहा है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और ये दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे है, तो दिल्ली से मुंबई, ओए होए, हम है दिल्ली वाले तो मुंबई वालों जब आएंगे तो एक्सप्रेस वे से आएंगे, ठीक है ना। अच्छा बनेगा, कब वो देखना पड़ेगा। बन तो गया पूरा एरियल सर्वे, पूरा बन गया पता नहीं। मुझे तो यही लगा भैया, मुझे तो यही लग रहा है कि सर्वे हो रहा है, मतलब बन चुका है, आप देखने जा रहे हैं। आई होप सो। अगर नहीं बना होगा तो बहुत जल्दी बनना ही वाला होगा क्योंकि ब्रिज व्रिज तो उन्होंने दिखा दिया, ब्रिज भी दिखाया था उन्होंने और सड़क पे भी चलते हुए एक्सप्रेस वे है, इसका मतलब पूरा रास्ता। हाँ सिर्फ ब्रिज नहीं। हाँ तो ब्रिज भी आया और तो वो उन्होंने देखो पहले उन्होंने दिखाया था कि ब्रिज पे चल रहे हैं, उसके बाद जीप पे भी दिखाया था कि वो सड़क पे चल रहे हैं जो एक्सप्रेस वे है, वो भी उन्होंने मेरे ख्याल से दिखाया है कि उसका भी, उसको भी जाके थोड़ा कुछ पार्ट देखा होगा कि कैसा बना हुआ है। और मॉडल्स और फोटोज भी लगी हुई थी जिससे उनको दिख रहा था कि अच्छा आगे ऐसे भी बना होगा, ये सब बना हुआ है। मुझे तो यही लगा है भाई, बताना, मेरे को तो यही लगा कि बन चुका है भाई। अब आप बताओ कि बन चुका है कि नहीं बन चुका है, और अगर नहीं बन चुका है तो कब तक बनेगा। मुझे तो लग रहा है बन चुका है, ये हमेशा डाउट क्रिएट कर देते हैं मेरे दिमाग में। मैं पहली पॉजिटिव होकर सोचती हूँ हो गया, काम हो गया। ये कहता मैं तो बना ही नहीं है, मेरे ख्याल से बन चुका है, नहीं तो वो फिर आएंगे क्यों। और मैं ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है और उसमें अपनी जो जो काम अब कर रहे हैं
उसको डाल के दिखा रहे हैं कि भैया देखो मैंने अपने टाइम में ये काम किए हैं और ये मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं। तो बाकी बहुत ही अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लिखा हुआ था, ऐसे लग रहा है सबसे बड़ा होगा या सबसे जल्दी बनाया हुआ कुछ इस टाइप से कुछ होगा। तो भाई अगर बन चुका है तो दिल्ली वाले तो चलो आप मुंबई चले जाना, पर मुंबई वालों जरा दिल्ली आना, बताना दिल्ली कैसी लग रही है आप लोगों को अगर अभी तक आए नहीं हो। पर काफी अच्छा था, मजा आया देखने में, वेरी नाइस। काफी अच्छी बात है, मेरे को लगता है शायद हमें दिल्ली से मुंबई जाने में शायद 2 दिन लगते थे ट्रेन में, मतलब रेगुलर ट्रेन में, जो तेज नहीं जाती, रेगुलर जो जाती थी, मेरे ख्याल से 2 दिन लगते थे। और अब मुझे ये पता करना है कि दिल्ली से आप मुंबई जाते हैं एक्सप्रेस हाईवे में, इस वाले में, तो कितना समय आपको लगता है? ऑब्वियसली अरे एक्सप्रेस वे है तो मतलब कोई रेड लाइट नहीं है, आप सीधा जा रहे हैं, आपको कितना समय लग रहा है दिल्ली से मुंबई जाने में? और दूसरा इसमें फायदा ये होगा कि आप में से कोई गया कि नहीं गया, और जाने में क्रूज कंट्रोल गाड़ी तो चाहिए होगी, मतलब आप सीधा क्रूज कंट्रोल में रखिए और बिंदास अपना बैठिए और आपको सीधा लग जाएगी। अब ये पता नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि आप रात में शुरू करें और सुबह तक पहुंच जाएं, तेजी से स्पीड जितनी भी अलाउड है, मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर पर आवर ट्रेन में 2 दिन लगते हैं तो फिर इसमें कैसे इतनी जल्दी, ट्रेन रुकती रुकती धीरे 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 जाती है, और अगर जो है अलाउ कर दें बहुत ही जबरदस्त, पता नहीं 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर आवर अगर अलाउ कर दें तो लोग अपने वो में माइल्स में कितना होगा 120 जो भी 80 तो मिनिमम हो ही जाएगा, 80 तो फिर ठीक है, यहाँ पे 80 तो होता ही है, 80 तो यहाँ बहुत ही 80 यहाँ पे 85 ठीक है, तो वो ये मतलब 120 किलोमीटर से लेकर, या जैसे ऑटो बान है जर्मनी में जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं, वो नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट सेफ, तो वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे नजर आता नहीं लगता कि जहाँ पे कोई स्पीड लिमिट होना चाहिए। उसमें फायदा ये होता है कि आप अगर आपके पास कोई गाड़ी है जो तेज चलती है उसको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी तेज चलती है, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी आप गाड़ियां खरीदते हैं यूएस में उनकी कभी भी हाई स्पीड कोई बंदा चेक नहीं कर सकता, 80 से ज्यादा तो जाएगी, क्योंकि 85 मैक्सिमम 90 भी एक जगह पे है, तो 90 माइल्स पर आवर से ज्यादा आउट नहीं है आपको। अगर और सभी गाड़ियां 120 माइल तक जाती हैं 50, किसी ने आज तक जिंदगी में चला के मैंने देखा कि एक्चुअली जाती भी है कि फेक स्पीडोमीटर, एक्चुअली इसका यूज है भी कोई चेक करने तो के उसके लिए तो लोग यही कहते हैं, अगर आप डीलर के पास भी जाए उसे बोले भाई लिखा तो है कि 120 तक जाएगी किलो, मतलब मैं माइल्स की बात कर रहा हूँ, 120 माइल्स पर आवर 150 माइल्स पर आवर लिखा हुआ है तो क्या ये जाती भी है? तो यही कहता है आप जर्मनी ले जाइए ऑटोबान में चेक कर लीजिए, क्योंकि यूएसए में तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो आपको अब चलाए जरूरत क्यों पड़ेगी। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त चक्कर भी था कि हमारी गाड़ी में एक समय पे जब आप 90 माइल्स पर आवर पे जाते थे कुछ आवाज आती थी हवा टाइप की कभी कभी, तो जब मैं उसके 95 माइल्स पे, तो जब उस डीलर को बोला कि 95 माइल्स पे जो ऐसे आवाज आती है वो कहता है कहाँ चेक कर सकते हैं, वो इलीगल है आपको 90 के लिए तो पहले एक स्टेट है वहां जाना पड़ेगा, वहां पे चेक करना पड़ेगा, आप रहते हैं यहाँ पे हैं, आपने कहाँ चला ली? मैंने कहा मैं कहीं भी चलाऊं यार, प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मतलब था पहली बार तो आपने लॉ ब्रेक किया, अगर आप कह रहे हैं 95 पे आपने चलाई है ये तो लॉ ब्रेक किया, फिर आप बता रहे ये हो रहा है, तो मतलब जो भी मजाक वाली बात है, बट यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हाईवेज जो है कनेक्टेड होना चाहिए, एटलीस्ट मेन दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आप चेन्नई, वहां कोलकाता, वहां पे बैंगलोर, हैदराबाद, इनमें परफेक्ट हाईवेज चाहिए, और उससे जो है बहुत तेजी से मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक्स भी आएगा, सामान भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवल में अब कम लग रहा है तो ट्रक भी आएगा, ट्रक की कई बार अलग से लेन्स भी होते हैं, रूल यूएस में तो रूल होता है कि सबसे जो स्पीड वाली लेन है उसमें ट्रक नहीं आ सकता अनलेस ट्रक को ओवरटेक करना है, तो ये रूल है कि ऐसा नहीं है कि ट्रक बिंदास जा रहे हैं, उनको ये है कि सबसे जो फास्टेस्ट लेन है उसमें तभी जा सकते हैं अगर आपको ओवरटेक करना है, तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, बताना भाई स्पीड लिमिट है कि नहीं है, बन गया कि नहीं बना, ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।